हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। तो जीवाणु से कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों, तो उन सभी 8 रोगों के नाम बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये 8 नाम है दोस्तों वो विद इन 2 सेकंड में याद कराऊंगा दोस्तों। कितने सेकंड में दोस्तों? विद इन 2 सेकंड में दोस्तों। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोगों को बताइए दोस्तों, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों, तो आपको चूज करने में काफ़ी परेशानी होती है दोस्तों, क्योंकि 8 नाम है दोस्तों, एक नाम नहीं है दोस्तों जो आप फर्स्ट आग से टिक कर दोस्तों। तो मैं ऐसे टिक सिखाऊंगा दोस्तों जिससे 2 सेकंड में आप आंसर लगाओगे दोस्तों। तो मेरी ट्रिक का नाम दोस्तों पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, तो टिक लगाने का ये तरीका दोस्तों पंडित का टिक न्यू है दोस्तों, बस ये लाइन याद करनी है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है दोस्तों। अगर आपने याद कर ली दोस्तों तो इसे एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो पैसे हो गया दोस्तों प्लेग रोग हो गया दोस्तों, डी से हो गया दोस्तों डिप्थीरिया हो गया दोस्तों, तरह से हो गया दोस्तों टाइफाइड, और का की बात करें दोस्तों का से हो गया दोस्तों काली खांसी, टी से बात करें दोस्तों टिटनेस हो गया, कैसे बात करें तो कुष्ठ हो गया दोस्तों, न्यू यानी न्यूमोनिया हो गया दोस्तों, ऐसे हैजा हो गया दोस्तों। तो पंडित का टिक न्यू है, पंडित से हो गया दोस्तों प्लेग डिप्थीरिया टाइफाइड, का से बात करें दोस्तों काली खांसी, टिक से बात करें दोस्तों टिटनेस और कुष्ठ, न्यू से बात करें दोस्तों निमोनिया, है से हो गया दोस्तों हैजा। तो पंडित का टिक न्यू है ये याद करो दोस्तों, और जीवाणु से होने वाले 8 के 8 रोगों के नाम भी याद कर लो दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जो पंडित का टिक न्यू है इसे भी याद कर लीजिए दोस्तों, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।